शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यहाँ बात सिया को अनुशासन सिखाने की है। आप कर नहीं सकते, तनुजा देखती नहीं है, और एक माँ कम से कम कोशिश तो कर सकती है ना। श्रद्धा सिया की माँ है। नैना भाभी, आज के शुभ दिन में ना हमें कोई बहस नहीं करनी। वैसे भी अब हमें पूजा के लिए देर भी हो रही है। मैं सानवी को लेकर आ ही रहा था, तुम क्यों है यहाँ? जैसे आपने मुझसे पूछे बिना ये फैसला लिया ना कि सिया मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, वो वहाँ खुश नहीं है, वैसे ही मैंने ये फैसला लिया है कि आज से मैं इसी घर में मेरी दोनों बेटियों के साथ यहीं रहूंगी। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम सिया से दूर रहोगी, मेरा मतलब था मेरे परिवार मेरे घर से दूर रहने के। चलो, मेरे सामान की सही जगह इस घर में हमारे कमरे में है। अब क्यों अचानक तुम्हें अपना हक कैसे याद आ गया? आपके बहू होने के हक से मम्मी जी, अभय की पत्नी होने के हक से। अपनी बच्चियों की माँ होने के हक से। आरती की भाभी होने के हक से। इस परिवार का सदस्य होने के हक से। मेरा पूरा हक है यहाँ पर। हाँ बेटा, बिल्कुल हक है। तनुजा जी, जितना हक इस घर में आपका है उतना ही हक श्रद्धा का भी है। आओ बेटा, इस घर में आपका स्वागत है। नहीं पापा, श्रद्धा इस घर में नहीं रह सकती। किस्मत की लकीरों से